मैं इंस्पेक्टर यादविंदर, SHO सिविल लाइन बठिंडा। कल थाना सिविल लाइन की पुलिस वालों 6 बंदे गिरफ्तार किया गया, जिस वो 3 फीमेल हैं। इन्हों तो अरैसट करके इन्होंने खिलाफ मुकदमा नंबर 300 दर्ज रोजनामचा किया गया है, जिस दे हनी ट्रैप करते सी। एक बंदा दूसरे किसी लेडी नंबर दिंदा सी, वो किसी को कॉल करके बुलाउंदी सी ते वो उस तो पैसे खोह लैंदे सी। इस दे विच भी सेम शिकायतकर्ता ने नोट करवाया कि उस तो कॉल आई सी, कॉल दे उपरंत उन्होंने गुंडिया ने बुलाया गया, पैसे खोए, उन्होंने बुला के धक्के नाल नंगन वीडियो बना के उस तो पैसे खोए गए, होर पैसे डिमांड की गई, जिस दे विच कुल 36,000 रुपया ऑलरेडी लै चुके सी। 10,000 रुपया जो उस टाइम कैश से वह खोया गया, 36,000 रुपया वो अकाउंट पाया गया, वो अकाउंट तो दूसरे अकाउंटा पाया गया, तो 2 लाख रुपए की होर मंग की जा रही थी। इसके तहत असी परचा दर्ज करके 6 जने को गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस रिमांड की असी कोशिश कर रहे हैं। तो उस तो बाद असी कोशिश करा पता करने की कि इन्होंने पहला इस तरह के किन्ने हनी ट्रैप पहला किए हैं, जो किसी मुकदमे वॉन्टड है, जो क्राइम तरह के क्राइम कोई कर रहे हैं। ये मतलब कितों के रहने वाले थे, किन्ने के लेडीज कि हैं? इस दे विच 3 लेडीज़ 3 मेल मैंबर है जी, वक् वक् जिलों के रहने वाले आ, जिमें कि 2 जने बठिंडे के है, एक हर सरसे का हैगा, तरन तारण तो, मुकसर तो, बठिंडे तो, अड्डो अड्ड थावों तो है, 3 जने बठिंडे के, बाकी 3 जने पासों है। पहले भी कोई वाकई इन्होंने सामने आया? वो चीज़ा असं कलैरीफाई कर रहे हैं, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिमें जिमें चीज़ा सामने आने आप जी को उसके बारे दसा जाऊगा। फिलहाल की घड़ी इन्हें 6 जन का इकट्ठा होना जी, एक ग्रोह दे जापदा है, पर फिर भी इसते डूंघाई रिमांड तो बाद पूछताछ करके कार्रवाई की जाए। बिल्कुल जी, जो ये मदई हैगा मेन दोषी का साढ़ू लगता हैगा, उन्हें आपस कोई रंजित से, जिस दे तहत उन्होंने हनी ट्रैप करवा के उस तो पैसे उन्हें इकट्ठे किए। अभी कोई अदालत में पेश करके रिमांड भी अदालत में अभी पेश किया जा रहा उन्होंने, तो उस तो बाद पुलिस रिमांड की डिमांड की जा